श्रीगंगानगर में मौसम विभाग कार्यालय के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर हुई वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले आरोपी पंजाब नंबर की गाड़ी में आए थे और कई राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए मौके से कारतूस के खाली खोखे बरामद किए हैं और आरोपियों की तलाश में जिले में चारों तरफ नाकाबंदी कराई गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि फायरिंग की घटना हुई है दिन दहाड़े। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकाबंदी भी करवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से फायरिंग के खाली खोखे कारतूस के खाली खोखे बरामद किए हैं और अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमलदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कमलदीप, क्या कुछ अपडेट है? दिन दहाड़े फायरिंग की घटना होती है और आरोपी निकल जाते हैं नाकाबंदी के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जी अजीज, बता दूं मैं आपको कि अभी शाम को ही जो एक काले रंग की गाड़ी के ऊपर पंजाब का नंबर था जी, तो पांच युवकों ने फायरिंग की है। लोगों का कहना है कि वो फायरिंग हमारे ऊपर हुई है क्योंकि वहां पे नशे का भी कारोबार काफी फल फूल रहा है और पुलिस चौकी से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर ये फायरिंग हुई है और पुलिस अभी जांच करने में जुटी हुई है। क्या कुछ मामला निकल करके सामने आ रहा है? क्योंकि हवाई फायरिंग हुई है, किसी प्रकार की जनहानि की संभावना इस घटना में नहीं जताई जा रही है। आखिर क्या उद्देश्य था आरोपियों का फायरिंग करने को लेकर के, कुछ सामने आ रहा है इस प्रकार की जानकारी? जी, पुलिस का मानना है कि जो यहाँ पे नशे का जो कारोबार काफी है, पंजाब के युवक जो नशे के अंदर काफी लिप्त माने जाते हैं, जिस कारण से क्या है कि जो फायर उन्होंने नशा नहीं मिलने कारण उन्होंने फायरिंग की, हवाई फायरिंग किया और हवाई फायरिंग के बाद जब लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए इसके बाद वो वहां से निकल चुके हैं। आसपास में किसी कोई सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हुई है? फिलहाल पुलिस इस बारे में जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कमलदीप हमारे संवाददाता, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, लेटेस्ट अपडेट इस खबर को लेकर बताई।